हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। एंड आज इस वीडियो में मेरे साथ है सौरभ सिंह। सौरभ ने रिसेंटली सीएमए कंप्लीट किया है और इनका दिल्ली कैंपस में प्लेसमेंट भी हुआ है। नाफेड में, नाफेड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। सो सौरभ को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे साइड से, एंड थैंक यू कि रिसेंटली आपने मेरे इस इन्विटेशन को भी एक्सेप्ट किया और आप अपनी जर्नी भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो हाय सौरभ, हाउ आर यू टूडे? I am fine. Excited about my career. Yeah, great, great. Best wishes from my side for your future career, and hope so you will achieve many heights in your life. So, Saurabh, when you selected in campus, जब आपका selection हुआ, उस time आपको कितनी खुशी थी जब आपके पास offer letter आया ना फिर से? Sir, basically क्या था कि 26 तारीख को मेरा हुआ था interview. राइट सारी चीजें होगी थी पर उन्होंने उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि क्या क्या हुआ है। आपका मेरे पर कॉल भी आया था कि कैसा रहा, मैंने आपसे क्लास भी ली थी राइट। सो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए तो मैंने मैंने आपको बताया था कि मेरे का 27 तारीख को आएगा सारा। अगले दिन मेरा था नेस्ले का, नेस्ले में शॉर्टलिस्टेड था मैं, एंड आरएसए में भी शॉर्टलिस्टेड था मैं। उनसे कॉल भी आई मुझे पर मैंने मना कर दिया कि मैं अब और इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि नाफेड में हो जाएगा मेरा, क्योंकि इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, आपसे मैंने शेयर किया था। तो फिर 5 बजे इसका रिजल्ट आया मेरे पास कि सर आपका हो गया। पहले मेरे पास आया सीएमए इंस्टीट्यूट से कॉल, उसके बाद मेरे पास आया नाफेड से कॉल। फिर जैसे ही मैंने पोस्ट किया व्हाट्सएप पे स्टेटस, सबका कॉल आना शुरू हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कैसा हुआ। डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी खुशी को। सो सौरभ, हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी को। लाइक जब आपने क्लास 10, 12 के बाद आपने कैरियर आपने स्टार्ट किया होगा, सो आपने कॉमर्स को क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चूज किया एज ए कैरियर? सर बेसिकली मैं 10th क्लास तक बहुत एवरेज बच्चा था, मतलब ये समझ लो कि 60% मार्क्स भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 11th में मैं लेने जा रहा था आर्ट्स राइट। तो मेरी मेरी बुआ जो है, बुआ जी, उन्होंने कहा कि आर्ट्स मत ले, आर्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं है, कॉमर्स ले। थोड़ा थोड़ा क्या था कि हमेशा बनिया दिमाग लगाता था मैं, तो सबने कहा कि तू तू कॉमर्स कर पाएगा अच्छे से। तो मैंने कहा कि ठीक है कॉमर्स ले लेते हैं। कॉमर्स स्टार्ट करी, फिर कॉमर्स में इंटरेस्ट आने लग गया, कॉमर्स में और अच्छा लगा, तो 12th में मार्क्स भी अच्छे आ गए। फिर बीकॉम स्टार्ट कर दी क्योंकि उस टाइम ज्यादा पता नहीं था सीएमए के बारे में मुझे राइट। उस टाइम मुझे खाली सीए के बारे में पता था, इनफैक्ट मुझे सीएस के बारे में भी नहीं पता था उस टाइम। तो फिर यही सुना था कि सीए में 5 साल लगते हैं, 10 साल लग जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैंने बीकॉम स्टार्ट करी, सिंपल बीकॉम पास। जब मैं 3rd ईयर में था तो उसके साथ मैं HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में जॉब करता था। ओके। तो फिर वहां पे क्या हुआ, वहां पे थोड़ा सा इंसिडेंट ये हुआ कि वो मैंने देखा फाइनेंस सेक्टर था वो टोटली ना, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो वहां पे थोड़ी इंटरेक्शन वगैरह मेरी हुई अकाउंट से, तो वो तो मेरे को शुरू से अच्छी लगती थी बीकॉम टाइम में भी। तो मैंने, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, वंश वंश नाम है उसका। तो उसने मुझे गाइड किया कि भाई कुछ प्रोफेशनल करते हैं और प्रोफेशनल नहीं करते, तो अकाउंटिंग हमारी बहुत अच्छी है, तो हम अकाउंटिंग में करियर बनाते हैं। तो फिर हमने मैंने एक बिल्कुल छोटी सी कंपनी ज्वाइन करी, बहुत छोटी थी, पार्टनरशिप फर्म। वहां मैंने अकाउंटिंग सीखी, वहां मेरा एक दोस्त बना, उसका नाम रवि कुमार गहलोत है, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा अभी तक। उसने मुझे बताया सीएमए के बारे में। फिर मैं रिसर्च करता रहा, लगभग मुझे 1.5 साल लगा रिसर्च करने में कि कैसे होता है, क्या करना है, कोई गाइडेंस थी नहीं, और एडवर्टाइजमेंट हमारा इंस्टीट्यूट ज्यादा करता नहीं। तो सर फिर ये हुआ कि मुझे पता चला, फिर मैंने जनवरी 2019 में ज्वाइन किया सीएमए। ओके। यस सर। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम कम था क्योंकि ग्रेजुएशन वगैरह सारी हो चुकी थी और उसके बाद भी 1.5 साल मेरा लग चुका था। तो मैंने कहा कि जैसे ही एडमिशन किया है उसके साथ ही मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ। तो मैंने फर्म ज्वाइन कर ली, सीए फर्म, वहां पे मैंने काम किया लगातार। जब तक कोविड नहीं आया तब तक मैंने काम किया साथ में, उसके साथ मैंने 2 ग्रुप अपने निकाल लिए इंटर के। ओके। एक ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था
फर्स्ट टाइम उसमें निकला, और 1 दिसंबर 2019 में निकल गया था मेरा। फिर क्या हुआ, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था, और कोरोना के टाइम पे मैंने हालत देख ली थी सबकी क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं अब बोल ग्रुप देते हैं फाइनल में। अच्छा हाँ, फिर घर वाला, फिर हमारे पीएसयू के एग्जाम्स निकलते हैं सर, आपको पता होगा शायद, राइट। पीएसयू के एग्जाम्स निकलते हैं इंटर लेवल पे, अगर आप फाइनल क्रॉस कर जाते तो फिर आप वो एलिजिबल नहीं रहते उसको फिल करने के, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि पीएसयू का एग्जाम एक बार फिल करके देख लेते हैं, तो मैंने पंजाब पावर का पीएसयू का रेवेन्यू अकाउंटेंट का एग्जाम फिल किया, उसमें बिल्कुल मार्जिन से रह गया मैं, लगभग 3-3.5 नंबर से मेरी जॉब वो नहीं हो पाई। उसमें मेहनत करी थी मैंने 3-4 महीने अच्छे से, सारी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए उस टाइम मैंने, उसके एक एक वो एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है उसका, पर मेरे बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए अकाउंट्स वगैरह के कि बहुत अच्छे हो गए। फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि अब मैं ऐसा करता हूँ कि टाइम, फिर मेरे पास 6 महीने बचे थे, घर वाले कह रहे थे जून में पेपर देना तूने, जून 23 में देना किसी भी हालत में, हमें नहीं पता। तो बोध ग्रुप की प्रिपरेशन करी जून 23 तक, बहुत मेहनत करी, और रिवीजन सिर्फ एक ही हो पाई थी तब तक। तो मैंने कहा कि अगर मैंने दिया तो मेरा अटेम्प्ट लग सकता है इसमें, और अटेम्प्ट में लगाना नहीं चाहता था एक भी। हाँ, क्रिटिसाइज भी किया दोस्तों ने कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है, वो बहुत अच्छा मोड़ है मेरी जीवन का कि सबने क्रिटिसाइज किया कि तू क्या कर रहा है अपने साथ, तूने 6 महीने खराब कर दिए, 10 महीने खराब कर दिए, पर मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से था कि मुझे पीएसयू चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जून का अटेम्प्ट छोड़ दिया। उस टाइम तो ऐसी हालत होगी कि घर वालों ने कहा कि अब तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, तू सिर्फ पढ़ेगा सिर्फ पढ़ाई करेगा, घर से बाहर नहीं निकलना। ओके, फिर मैंने कहा कि अब ठीक है, फिर पढ़ाई करेंगे, रूम ले लिया एक अलग से। अच्छा, उसमें पूरी पढ़ाई शुरू कर दी। एक मेरा अक्टूबर तक 3 रिवीजन हो चुकी थी। ओके, एसपीएम बीबी की मैंने कोई क्लास नहीं ली थी, और कॉस्ट ऑडिट की कोई क्लास नहीं ली थी मैंने, जिसके वजह से मेरी रैंक नहीं आ पाई, नहीं तो मेरी रैंक आ जाती डेफिनेटली, क्योंकि उसमें बहुत कम मार्क्स रह गए मेरे। और क्या हुआ था कि ये सारी चीजें करी मैंने, फिर मैंने कहा दिसंबर अब देते हैं, फिर दिसंबर दिया और भगवान की दुआ से पास हो गया। बहुत ग्रुप, फिर जैसे ही पास हुआ फिर आपको कॉल करा मैंने। राइट राइट। सो सौरभ, जब आपका रिजल्ट आया था, जब आपने बोथ ग्रुप पास आउट किया, तो उस समय भी घर वालों का क्या रिएक्शन था कि वो जो घर में बंद करके पढ़ाए आप लोग आपको तो क्या बोल रहे थे? सर, बहुत फैंटास्टिक था वो एक्सपीरियंस। घर वाले कह रहे थे कि अब हर जगह, मतलब इतने रिलेटिव्स, मैंने कईयों के तो नाम भी नहीं सुने थे, उनको भी कॉल करके बताया कि बोध ग्रुप निकलेगा, बोध ग्रुप निकल गया 6, और इस बार का रिजल्ट भी बहुत कम गया, 6.85%। तो सबको बताया उन्होंने कि बोध ग्रुप निकल गया, इतनी खुशी हुई सबको। फिर क्या हुआ कि कुछ कुछ होते हैं ना रिलेटिव सर, कि अब आगे क्या, yeah. इतना हो गया अब आगे क्या तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। घर वाले भी कहते थे कि चल ठीक है, ये तो बोल दिया, अब आगे क्या करना तुमने। अब मेरे को टेंशन वहीं से शुरू होगी। फिर आपको कॉल करी थी मैंने, yes. कि परेशानी हो रही है सर, आप बताओ कैसे क्या डिस्कशन, और मैं कितना फंबल कर रहा था बोलते टाइम, आपको पता होगा टेंशन, आप जानते yes, हो। तो मैंने आपको कॉल करी, फिर वो वाला वो कोर्सेज आ गए थे, राइट राइट, बहुत सारे टीचर्स ने भी निकाले थे कोर्सेज महंगे महंगे, राइट, उसको लेके मेरे को डाउट आया था। तो मैंने कहा कि सर ऐसा ऐसा है कि कुछ टीचर महंगे दे रहे हैं, आप बहुत सस्ता दे रहे हो, तो कॉस्ट भी नहीं निकल रही जिसमें आपकी ढंग से जो आपकी टाइमिंग इन्वेस्ट कर, टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो। yes. तो मैंने कहा, पर फिर आपने समझाया था कि वो तुम आराम से कर लेगा, उसकी टेंशन मत ले। फिर मैंने आपका कोर्स लिया, फिर वहां बहुत सारे बंदों से मिला, इनफैक्ट हम सबका ही हो गया, आप सबका हो गया, दिल्ली कैंपस वाले तीनों बच्चों का हो गया, एक का वेदांता में और एक नवीन का गोदरेज में, और तीनों का ही हो गया। अब कोलकाता की बारी है, होप्सो की वहाँ भी तीन बच्चे हैं, तीनों का प्लेसमेंट हो जाए, हो जाएगा सर आपकी टेक्निक से, हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन और भी है कि जब अभी आप कैंपस में गए थे, उससे पहले अप्रोक्स आपने कितने मंथ की आपने ट्रेनिंग कम्प्लीट की थी?
बिकॉज बच्चों का क्या होता है कि वो सोचते हैं कि मेरे जो 6 मंथ की ट्रेनिंग है तो मैं 1 साल क्यों करूं। सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चों को ये। बेसिकली अगर आप ढंग से देखोगे तो मैंने 3 साल काम किया है। तो मैं पहले जहां पे मैंने एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन किया था वहां पे भी उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन बन गया था। तो वहां पे मैं जाता था फर्म में, सीए फर्म में, महीने में लगभग हर हफ्ते में 3-4 बार मेरा सीए फर्म में जाना होता था वहां पे। तो वहां से बहुत एक्सपोजर मिला था मेरे को, जिसके वजह से मुझे पता चल गया था हाँ काम कैसा होता है। और फिर उसके उसके बाद फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया, सीए फर्म ही ज्वाइन कर ली, और वो बहुत अच्छी फर्म थी नोएडा में, उनके क्लाइंट बहुत बड़े बड़े थे। तो वहां एज अ सीनियर ज्वाइन किया था मैंने, तो सीनियर का प्रेशर सर आप जानते हैं सीए फर्म में। तो मतलब आपने जीएसटी, अकाउंटिंग और आप ड्यू डिलीजेंस के बारे में भी आप बता रहे थे, तो आप इन सब एरिया यस में सर आपने काफी अच्छा एक्सपोजर लिया, ये सब आपको कैंपस में हेल्प किया। बहुत हेल्प किया सर, जहां भी जाता था सारे सब यही कहते थे ये ड्यू डिलीजेंस कैसे हो किया तुमने, ये ड्यू डिलीजेंस कैसे किया, हर पर्सन यही पूछ रहा था कि कैसे किया। और जब उसको एक्सप्लेन करो तो आधे जैसे आधे घंटे का आप, सबसे बड़ी बात क्या है, इंटरव्यू आपके जितना लंबा जा रहा है उतने आपके चांसेस हैं सिलेक्ट होने के, राइट सर। तो ड्यू डिलीजेंस की बात में ही 20-25 मिनट तो ऐसे ही चले जाते। अगर किस मैं तो वेट करता था कि बस पूछ ले, कोई इंटरव्यूअर पूछ ले मेरे से ड्यू डिलीजेंस एक बार, मैं इतना डिटेल में उसको बताऊंगा कि 20 मिनट मेरे खत्म हो जाएंगे। अच्छा सौरभ, आपके कितनी कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी? सर मेरी शॉर्ट लिस्टिंग लगभग 7 कंपनीज में हुई थी, उससे ज्यादा ही हुई थी, क्योंकि मेरा बोध ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट था और कोई अटेम्प्ट मेरा लगा नहीं था इंटर में भी, तो उससे ज्यादा ही हुई थी। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी थी। ITC होटल्स में हुई थी मेरी शॉर्ट लिस्टिंग, फिर उसके बाद C8 में हुई थी, गोदरेज एग्रोवेट में हुई थी, RSM में हुई थी, HSCC में हुई थी, नाफेड में तो हुई थी जिसमें अभी है, और ओरेन में हुई थी, हाँ ओरेन और नेस्ले, नेस्ले में हुई थी, नेस्ले में भी हुई थी। तो लगभग 7-8 कंपनियों में शॉर्टलिस्टिंग। अच्छा, जब इतनी सारी कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग होता है तो बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता है, राइट? तो क्या आपके दिमाग में कंफ्यूजन थे? सर मेरे दिमाग में कंफ्यूजन सबसे पहले तो तब आया था, सबसे पहले मेरा हुआ था सिर्फ ITC होटल्स में शॉर्टलिस्टिंग, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट वाले क्या कहते हैं 2 दिन पहले बताते हैं सिर्फ, ठीक है? तो मेरे दिमाग में आया कि अभी खाली ITC होटल में हुआ है, बाई चांस अगर नहीं हुआ मेरा तो आगे शॉर्टलिस्टिंग आएगी कि नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ITC होटल में मेरे को फूड पॉइजनिंग भी हो गई थी जब मैं इंटरव्यू, एक दिन पहले बताया था मुझे, मेरे को फूड पॉइजनिंग हुई हुई थी, जिस वजह से मैंने GT तो क्लियर कर लिया था वहां पे पूरा, पर मैं HR के सामने जब बैठा था तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बोल तो रहा था पर ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं अभी बेहोश ना हो जाऊं वहां पे, या मेरे मुंह से वॉमिटिंग ना, ऐसा हो रहा था बहुत हद तक। तो बहुत वहां से जब मैं घर आया तो सबसे पहले तो मैंने दवाई ली, और फिर आपने बताया कि गला ठीक नहीं लग रहा मेरा, कुछ भी हो जाए कल का इंटरव्यू गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर। सॉरी देखो वो था ना, मेरे लिए भी था कि यार मैं चाहता था कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो किसी भी तरीके से। कुछ भी होना चाहिए। तो वो जो कि मैंने कहा कि भाई अब सब बोल रहे हैं अब कुछ ना कुछ करते हैं, फिर मैंने मैंने सारी चीजें देखी कि कैसे कैसे क्या ठीक होगा, मम्मी से पूछे सारी चीजें, मम्मी ने कहा गलारे करो, आपने भी बताए थे, वो सब करा, फिर गला सुबह तक रिलैक्स हुआ, फिर मैं गया इंटरव्यू के लिए। फिर वो जो हैट वो जो दिन था इंटरव्यू वाला, इतना हैट्रिक दिन जो था ना, वो अब तक आया नहीं जीवन में, लगातार फेल हुआ मैं हर एक इंटरव्यू में। लगातार फेल हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था, C8 ना 26 तारीख को आई थी हमारे कैंपस में, तो CMA इंस्टीट्यूट के जो बच्चे थे वो बैठे नहीं, CMA जो थे न्यूली क्वालिफाइड वो गए नहीं इंटरव्यू देने उसका। तो इंस्टीट्यूट के जो वो थे प्लेसमेंट के जो वो थे कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं है इंस्टीट्यूट के लिए कि आप एक इंटरव्यू में ना बैठो C8 के। तो सिलेक्ट किया गया 9 स्टूडेंट्स को, जिसमें नवीन भी था, मैं भी था, हमें तो था कि हम दोनों का ही हो जाएगा, दोनों जाएंगे मुंबई, वहां से वीडियो कॉल करेंगे आपको। फिर क्या हुआ, C8 का हम सब ने वो दिया GD,
मेरे ख्याल से शायद 25 तारीख को जो बच्चे नहीं बैठे उस वजह से वो नाराज थे सीगेट वाले, तो उन्होंने जीडी के बाद अगला राउंड लिया ही नहीं किसी का, तो उसको मैं एज अ वही मानता हूँ कि इंटरव्यू ही दिया मैंने। फिर उसके बाद सीधा मैं गया HSCC इंटरव्यू देने, वहां पे मेरा फ्रेंड वगैरह हम सब बैठ के हम सब ने इंटरव्यू दिया, वहां नवीन का हो भी गया था HSCC में, बताया था HSCC में नवीन का हो भी गया था, पर वही कहते हैं ना कि डेस्टिनी उसको कहीं और लेगी। HSCC में हमने इंटरव्यू दिया, फिर उससे उसके बाद हमारा गोदरेज का था 3:30 बजे का इंटरव्यू, मेरा 3:30 बजे का था, नवीन का 3:15 का था। ओके तो नवीन नवीन का मेरे से पहले था, तो नवीन 3:15 पे एंटर कर गया, उसने बात बात करी उसने, तो जम्मू एंड कश्मीर की प्रोफाइल थी उसकी नवीन की, तो उन्होंने नवीन ने डन कर दिया, और उनके पास एक ही वो थी पोजीशन, राइट, ओनली सिंगल पर्सन हायर करना चाहते थे वो, तो वो पोजीशन गई अब सीधा। फिर उसके बाद मैं और वो गोदरेज भी चला गया, HSCC भी चला गया, CET भी चला गया, फिर मैं गया ओरिन, ओरिन में गया, वहां पे मैंने फर्स्ट राउंड दिया, क्लियर हो गया वो मेरा, उन्होंने कहा आप सेकंड राउंड दे दो फिर आप चले जाना, पर मेरे को ये था कि अगर मैं सेकंड राउंड दे देता तो गलती से सिलेक्शन हो गलती से सिलेक्शन हो जाता मेरा, तो आज मैं ये बात नहीं कर रहा था आपसे। तो मैंने क्या कहा, तो मैंने वहां पे जो बाहर कोऑर्डिनेटर थी मैम थी वहां की CMA की, उनको मैंने कहा कि मैम मुझे 5 मिनट दो, बस 5 मिनट दो मैम। बहुत ज्यादा थर्स्टी फील कर रहा हूँ मैं, बस मैं अभी डाल रहा हूँ। मैं गया, मैं सीधा नाफेड़ चला गया, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा इंटरव्यू, और एन में जाना होगा तो बाद में जाके दे दूंगा इंटरव्यू। सीधा गया नाफेड़, वहां पे GD राउंड हुआ फिर मेरा। अच्छा। मेरा वो तो निकल ही गया था, रिटर्न टेस्ट हुआ था सबसे पहले सुबह। Okay. वो मेरा निकल गया था, 49 स्टूडेंट्स का निकला था, जिसमें मैं था, नवीन था और 2-3 दोस्त और थे हमारे। Okay. जो CMA इंस्टीट्यूट में बने थे। तो फिर क्या हुआ कि नाफेड़ में GD राउंड हुआ, 49 में से 16 स्टूडेंट्स GD के बाद क्लियर हुए खाली। Okay. और फोर पोजीशन थी उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए करना, तो अब 25% चांस थे। मैंने कहा 25% चांस है सौरभ, फोकस कर थोड़ा सा, हो जाएगा। और सबसे बढ़िया चीज क्या थी कि मेरा सबसे लास्ट में था इंटरव्यू, मैं 16th था, तो सब गए बारी बारी से, जाते रहे, मैं सबको देख रहा, सब निकल रहे, कोई कह रहा कि यार ये तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, कोई कुछ कह रहा, तो एक तो और प्रेशर बढ़ते जा रहा। फिर एक AAR2 आया, मेरे से आगे थी, मतलब 15th था वो पर्सन, वो गया, वो बाहर आया, कहता भाई बेकार है, मत ज्वाइन करो, तुम क्यों ज्वाइन कर रहे हो। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे PSU तो चाहिए किसी भी हालत में। मैं फिर गया 16th पोजीशन पे अंदर, वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। सबसे बड़ी गलती जो CMA स्टूडेंट्स ने वहां पे करी है, जो मैंने देखी है, वो ये थी सर कि बहुत सारे पर्सन क्या थे, अंदर जा रहे थे, रिज्यूम HR तक भी को भी नहीं दे रहे थे। और मैंने सबसे बढ़िया क्या किया, वहां पे जो थे पैनल थे, अच्छा पैनल को रिज्यूम नहीं दे रहे थे अपना, यस अपने आगे रखा हुआ था उन्होंने रिज्यूम बहुत सारों ने, ठीक है, AAR2 ने भी अपने आगे रखा हुआ था। मैं गया वहां पे, 4 का पैनल था, 4 पर्सन का, 3 फीमेल्स थी और 1 मेल थे सर। तो मैं गया, मैंने सबको रिज्यूम किया सबसे पहले, और मैं बैठा नहीं तब तक जब तक उन्होंने बोला नहीं, आपने बताया था बैठना। मैंने सबको रिज्यूम पकड़ाया, फिर उन्होंने कहा बैठो आप, फिर उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताओ वगैरह वगैरह, इंट्रोड्यूस वगैरह करा। फिर क्वेश्चन आए, उनके क्वेश्चन सही में बहुत अच्छे लेवल के थे, अगर मैंने ट्रेनिंग ना करी होती तो लिटरली मैं नहीं निकाल पाता वो क्वेश्चन, राइट। वो जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके GST जो आप पढ़ाई करते हो उससे नहीं थे, वो बहुत अलग क्वेश्चन थे। उन्होंने पूछा था कि इम्पोर्ट कर रहे हैं हम तो क्या कर रहे हैं, अब हम टैक्स बचाना चाहते हैं तो हम क्या क्या करें, अब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा। यस सर, केस बेस्ड थे वो, पूरी स्ट्रेटेजी जानना चाहते थे, आपको पूरा दिमाग देखना चाहते थे कि आप किस तरीके से हैंडल करते हो सारी चीजें, राइट। तो इंटरव्यू लगभग मेरा चला था 40 मिनट के अराउंड, सबसे लास्ट मेरा था, पर 40 मिनट के अराउंड चल रहा था। मेरे सारे दोस्त बाहर वेट कर रहे थे मेरा,
कह रहे थे, जैसे ही मैं दे के निकला इंटरव्यू, सब कहते हैं कि भाई तेरा तो बहुत लंबा इंटरव्यू गया यार, इतना लंबा तो हमारा गया ही। बस फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ी देर मैं रिलैक्स किया, मैंने 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 पूरी स्ट्रैटेजी उसी टाइम सोच ली कि इंटरव्यू मेरा सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गया और मेरा खुद भी अच्छा गया था जो मुझे फीलिंग आ रही थी। तो मैंने कहा कि अब मैं कल नहीं आऊंगा, चाहे कोई कुछ भी बोल दे चाहे कोई कुछ भी बोल दे, मैं कल नहीं आऊंगा, मैंने नहीं जाना कहीं पे। बस फिर उसके बाद अगले दिन कॉल भी आई, नेस्ले से कॉल आई, बल्कि मैंने टेस्ट नहीं दिया था, रिटर्न टेस्ट हुआ था नेस्ले का, फिर भी कॉल आई थी कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। आई डोंट नो कि कैसे हुआ वो, पर कॉल आई मेरे को, RSM से भी कॉल आई कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, पर मैं गया ही नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि डेस्टिनी थी मेरी ये कि मैं नहीं गया तो मेरे लिए अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया, अब सर आराम से जाएंगे, घर के पास में ही है। अच्छा मुझे वो दिन, मतलब जब तुम मुझे बताए थे कि सर मैं PSU में बहुत जाना चाहता हूँ, और तुमने इनफैक्ट तुमने प्रिपरेशन भी हाँ किया काफी टाइम PSU के लिए, और आज जब तुम्हारा PSU में सिलेक्शन हो गया है, तो मतलब वो लोग जो तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे अगेंस्ट क्वेश्चन उठा रहे थे, ठीक है, डीमोटिवेट। डीमोटिवेट कर रहे थे, तो आज उनको क्या फील हो आज उनकी फीलिंग क्या है तुम्हारे लिए? सर कुछ कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं, कुछ कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वो मेरे को इतना डिमोटिवेट कर रहे थे, वो मुझे कह रहे थे कि तू अपने गैम्बलिंग कर रहा है अपने पूरी लाइफ के साथ, तू इतना बड़ा गैम्बलर नहीं है जितना तू कोशिश कर रहा है, अगर तूने ये लूज कर दिया तो तू गया भाई फिर तू। और कई सारे तो ऐसे थे वो इन टर्म्स ऑफ मनी कर रहे थे कंपेरिजन कि भाई देख अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख कितनी तूने खराब कर दी। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये सबके हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आती है ये चीज, जब आपका साथ वाला कोई दोस्त आपका या कोई स्टूडेंट जो आपके साथ पढ़ता था वो एक अच्छी पोस्ट पे या कुछ भी काम कर रहा होगा, वो अच्छा अच्छा पैकेज अर्न कर रहा होगा, पर आप अपना टारगेट कभी चेंज मत करो। मेरा टारगेट पहले भी PSU ही था, आपने अगर अपना टारगेट चेंज किया बार बार स्विच किया किसी का सुन के तो फिर आप फिर फंस जाओगे अच्छे से। मैंने चेंज नहीं किया तो आज मैं आराम से निकल गया मेरा। डेफिनेटली सबसे बड़ी बात यही कि आपको अपना मिशन विजन सब कुछ एक फिक्स रखना है, आप बार बार चेंज करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। यस सर, ये सारी चीजें हुई थी मेरे साथ, तो अब यही है कि उन दोस्तों ने मुझे विश भी नहीं किया जिन्होंने मेरे को डिमोटिवेट किया था ना, उन्होंने विश भी नहीं किया। अब तो रिलेटिव वाले भी परेशान होंगे कि क्या कर दिया इस लड़के ने। हाँ, अभी तो सर और करना है आगे, अभी डेफिनेटली आपकी आपकी गाइडेंस चाहिए। नोट्स वगैरह आपके पढ़े मैंने सारे, क्वेश्चन आंसर जो आपने दिए थे, और सैप की क्लास जो आखिरी दिन हुई थी ना सर वो बहुत अच्छी हुई थी, सैप से भी क्वेश्चन आए थे क्योंकि वहां पे। हाँ तो मतलब अच्छा ये बताओ मुझे, अब तुमने बताया तो चलो एक दो क्वेश्चन और बता दो, कि जो मैंने तुम्हें GD करवाया, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हाँ हमने अप्रोक्स 1 month के अप्रोक्स किया, तुम और रोज नवीन होता था हमारा, हमेशा कंसिस्टेंट रहते थे, तो क्या उसका हेल्प बिल्कुल मिला कैंपस में? बहुत ज्यादा सर। GD के वजह से मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे जिनका GD के वजह से ही नहीं था, GD के वजह से वो आगे ही नहीं जा पाए, इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाए। तो हमारा मेरा और नवीन का अगर कैंसिल भी हो रहा था ना तो हम इंटरव्यू तक जाके हमारा किसी वजह से कैंसिल हो रहा था, और हमें पता चल रही थी हमारी गलती कि क्या गलती हो रही है, पर कई सालों का तो GD ही नहीं कर रहा था तो उनको गलती कैसे पता चलेगी। तो मेरे मेरा तो कहना यही होगा कि एक मेंटर बहुत जरूरी है, आप मतलब सेल्फ आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, पर मेरे हिसाब से एक मेंटर आपको जरूर देखना चाहिए देखना चाहिए। जो आपको गाइड कर सके, जो यहां से निकल चुका हो पहले से। डेफिनेटली सो मेरे टाइम में यही प्रॉब्लम था, अगर मुझे भी कोई मेंटर मिला होता मेरे जैसा ही तो शायद मैं भी LLT में होता उस टाइम, ठीक है, तो बट मुझे कोई मेंटर मिला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था उसमें, हाँ ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा, जो मैंने मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए आप लोगों के साथ, तो क्या वो भी काफी हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए? हाँ सर, उसके अंदर जो NTS वगैरह के जो क्वेश्चंस थे ना आपने जो पूछे थे, वो क्वेश्चंस बहुत जगह पूछे गए थे मेरे से, वो सेम क्वेश्चंस बहुत जगह पूछे गए थे मेरे से, और मैं कह रहा हूँ कि थोड़े से एडिशंस थे उनके, मतलब वो थोड़ा वो तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा करके पूछ सा रहे थे,
हाँ आपने थोड़ा डायरेक्टली पूछे थे वो चीजें, पर उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स करके पूछी थी ये चीजें। बस ये है, पर मॉक इंटरव्यू बहुत जरूरी है, आप कहीं भी दो पर मॉक इंटरव्यू आप इंटरव्यू से पहले जरूर दो, कैंपस से पहले तो जरूर, क्योंकि ये एक बार ही आएगा आपकी लाइफ में और ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। या मैंने तुम्हें बोला था उसी समय कि हाँ तुम टेंशन मत लो, बहुत लोग हैं जो तुम्हें डराएंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तुम चुपचाप बस हाँ ज्वाइन करो, तुम्हें जो चाहिए वो हाँ तुम्हें मिल जाएगा। हाँ और मिल गया सर। यार मिल गया, मुझे बहुत खुशी है तुम्हारा नबीन, जितने भी बच्चे सबका सिलेक्शन हुआ मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सबके लिए मैंने, अगर तुम नोटिस किए होगे तो जब भी तुमने कॉल किया होगा या किसी ने भी कॉल किया होगा मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जो नोट्स वगैरह थे ना आपके, मैं तो कहता हूँ उसकी बुक बना के आप सेल करो सर। यार डेफिनेटली फ्यूचर, ऐसे मेरी बुक आ रही है, मैं तुम्हें बता दूं जो मैंने रॉक की और इंटरव्यू आप लोग को जो शेयर किया था हाँ ऑलरेडी हाँ 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 आपने कॉपीराइट में और पब्लिशिंग में जा चुकी है, ब्लू रोज पब्लिकेशन उसको पब्लिश करने वाला है, तो बुक कुछ दिन में मार्केट में भी आ जाएगी, तो होप्स हो कि बच्चे उसको पसंद करें, तो नहीं, सब कुछ बिल्कुल अच्छा करेंगे है। सर, बिल्कुल या करेंगे। आप खुद देखो ना, अभी तक 100% सक्सेस रेशियो चल रहा है आपका। यार डेफिनेटली, इनफैक्ट अगर आप देखो सेमी क्वालिफाइड सीएमएच भी जो आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग मिल जा रही है बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो सब कुछ अच्छा है। हाँ और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात है, देखो ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस कर बिल्कुल सकते हो। चलो बिल्कुल अच्छा रहा, होप सो कि फ्यूचर भी तुम्हारी अच्छी रहे और हम ऐसे कनेक्टेड रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि भूल बिल्कुल। जाना। नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, आपको नहीं भूलूंगा सर। या हाँ यार डेफिनेटली बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर, कुछ टिप्स एंड सजेशंस बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सर की पढ़ाई के ऊपर फोकस तो करना ठीक है, पर मेरे हिसाब से जैसे सीए फर्म्स बहुत हैं इंडस्ट्री में, राइट, सीएमए फर्म बहुत कम है, मिलती नहीं है जल्दी, तो आपको सीए फर्म ज्वाइन करनी चाहिए। वो भी कोई छोटी मोटी ज्वाइन ना करो, आप पहले रिसर्च करो कि किसका अच्छा नाम है, आप उसको ज्वाइन करो, और वो हो जाता है, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह का सब कुछ हो जाता है, धीरे धीरे मैनेज हो जाता है, पर एक बार आपके पास नॉलेज आ जाएगी तो आप सारी चीजें कर लोगे खुद भी, बाई चांस आपका पीएससी होगा। और हाँ आपके हिसाब से कितने मंथ की कम से कम बच्चों को तो ट्रेनिंग करनी ही चाहिए? एटलीस्ट 1.5 ईयर्स है, 1.5 ईयर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मिला हूँ सीएमए बच्चों से, जो जो चले जाते हैं जैसे पीएसयू चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, मेरे दोस्त हैं 2-3 इसी में बने हैं, मतलब जो ट्रेनिंग हो क्वालिफाइड रही थी, किया है। हाँ जो ट्रेनिंग हो रही थी, उनके पास नॉलेज बहुत कम है जो उन्होंने काम किया है, और कईयों का जो है वो प्राइवेट में हो चुका है, प्राइवेट में प्लेसमेंट हो गई है, जैसे आईटीसी कह सकते हैं, या जिनका पीएसयू में ट्रेनिंग ली और अब प्राइवेट में जा रहे हैं। तो अगर आपने काम नहीं किया हुआ ना अपने अच्छे लेवल पे, तो प्राइवेट में तो आपका एक्सपीरियंस जज होगा, वहां पे तो आपकी टोटली परफॉर्मेंस मैटर करती है। या वो तो तो मैं तो है। यही कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि आप पीएसयू की ट्रेनिंग के पीछे ना भाग के आप फर्म की ट्रेनिंग करें, पैसे के पीछे ना भाग के, क्योंकि पैसे मुझे भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिले, बल्कि मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया, उसके भी 1.5 साल बाद शुरू किया, पर जो चीजें एक्सपीरियंस मुझे वहां से मिले, आज भी वो कांटेक्ट में है सर मेरे, भरत बंसल सर है उनका नाम, वो आज भी कांटेक्ट में है, गाइड करते हैं वो बहुत अच्छा मेरे को अभी भी। आपको एक गाइडेंस मिलेगी, आपको एक मेंटोर मिलेगा, आपको एक सीनियर मिलेगा जो हमेशा आपको गाइड करेगा, या तो डेफिनेटली आपको हमेशा फर्म ज्वाइन करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो मतलब जो मेरा आइडिया है। ओके हाँ थैंक अगर आपका आप बहुत अच्छे हो शुरू से ही पढ़ने में, तो फिर आप पीएसयू देख सकते। ओके थैंक यू सौरभ फॉर शेयरिंग योर जर्नी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, आपने हमें लाइफ चेंज कर दी। थैंक्स अलॉट सर। देखो जो नसीब में होता है ना वही मिलता है, ठीक है, मैं बस मतलब उसका एक वे था जो तुम्हारे लाइफ में आया, तुम्हें सपोर्ट किया और तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, दैट्स हाँ इट। सर, डेफिनेटली, हाँ थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स बाय अलॉट, बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच। वेलकम।